फूलचंद, वाह। हुजूर, ये सेवक 2 साल से आपकी सेवा कर रहा है हुजूर, पर आपने कभी खुश होकर इस सेवक को कुछ इनाम में दिया नहीं उस तरह खोल के हुजूर। अरे तुम 2 साल की बात कर रहे हो, हम यहाँ जीजा हुजूर की 25 साल से खिदमत कर रहे हैं, आज तक हमें कोई इनाम नहीं मिला। जैसे कोई इनाम हमें मिलेगा फिर तुम्हें हम इनाम दे देंगे। नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार। बैठिए बलदेव जी। माफ कीजिएगा, हम आपके कक्ष के बाहर से गुजर रहे थे और माफ कीजिएगा हमने आप दोनों की बातें सुन ली। हम आपको एक ऐसी तरकीब बता सकते हैं जिससे जापना आपको इनाम से लाद देंगे। तो कौन सी तरकीब है वो? वजीर आजम, ये जो बालक है वीर, आप तो जानते हैं कि हमेशा के लिए हमारे महल में रहने वाला नहीं, तो नगर से दीपेश केसर लाल इसे गोद लेना चाहते हैं और इसके एवज में वो हमें 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को भी तैयार। तो आप ये प्रस्ताव लेकर जहां पना के पास जाइए, शाही खजाने में 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बढ़ोतरी से जहां पना खुश हो जाएंगे और आपको इनाम से लाद देंगे। अरे फूलचंद समझाओ भाई। हुजूर, जल्दी कीजिए, जल्दी जाइए, सही मौका है, हाथ से न जाने दीजिए, आपको इनाम मिलेगा, तो इस गरीब को भी इनाम मिल जाएगा। हुजूर उस तरह खोल के जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है ठीक है, हम जीजा हुजूर से बात करते हैं। बलदेव जी, बलदेव जी। हुजूर, लगता है वजीर आलम आज बादशाह सलामत से इनाम लेकर ही लौटेंगे उस तरह खोल के। अरे भूषण जी, पैर नहीं। बीरबल जी, आप कैसे कैसे विचार लेके आते हैं हमारे पास? क्या हुआ बलदेव जी? अरे क्या क्या हुआ, हमने जीजा हुजूर से नगर सेठ दीपेश केसरलाल की बात की तो वो भड़क गए। अच्छा? वो बता रहे थे कि दीपेश केसरलाल अव्वल दर्जे का शराबी, जुआरी, अय्याशी, कंजूस है। हा? यदि वो वीर जैसे मासूम बच्चे को गोद लेगा तो वो अपने जैसा ही बना देगा। किसी तरह से हम वहां से बचकर निकले। हुजूर फिर हमारा इनाम? अरे इनाम भूल जाओ, जहां पना ने ऐलान किया कि हमारे वेतन से 1000 सोने के मोहरे काट लेंगे, अब वो हम तुम्हारे वेतन से वसूल करेंगे। फूलचंद बीरबल जी, अच्छा नहीं किया आपने। तो बताइए बलदेव, जापना आप हमसे क्या कहना चाह रहे थे? जापना, हमने जिस मंगल डाकू को पकड़ा था उसने भागने की कोशिश में कई पहरेदारों को कत्ल किया, लेकिन जापना हमने उसे फिर से पकड़ लिया। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? उसे हाथी के पैरों के नीचे। हाँ तो जापना, आप बता रहे थे कि मंगल डाकू को क्या सजा देनी चाहिए। जापना हमारे कुछ समझ में नहीं आ। बीरबल आप भी कमाल करते हैं, एक मासूम से बच्चे के सामने घिनौनी मौत के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? वाह जापना वाह, अच्छा लगा कि एक बच्चे की भावनाओं की आप इतनी कदर करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जैसा बादशाह ना कभी था ना कभी होगा, और आपकी आन बान और शान कभी कम नहीं हो सकती। वो तो है बीरबल, आखिर हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अरे बेटा क्या कर रहे हैं? जापना, इसने आपके आन बान और शान में गुस्ताखी कर दी। अरे बीरबल ये अरे बस बेटा बस। अरे बीरबल ये बच्चा है, यही काम किसी और ने किया होता तो अब तक उसकी जिंदगी में सवाल या निशान लगा चुके होते हम। जापना, आपने 2 दिन पहले भी एक सवाल पर सवाल या निशान लगाया था, जिसका जवाब देने के लिए बीरबल जी ने 2 दिन का वक्त मांगा था, और आज 2 दिन पूरे हो गए। अरे हाँ हाँ बीरबल, आप अपने उस जवाब का सबूत देने वाले थे कि आत्मा की मासूमियत ही सबसे अच्छी चीज होती है और उसके सामने कोई बुराई टिक नहीं सकती। कहाँ है सबूत? तो बीरबल जी कहां से जवाब देंगे? इनके पास कोई सबूत हो तो ही तो जवाब दे सकते हैं।
जहां पना, पिछले दो दिनों से वीर के रूप में आपके सवाल का जवाब ही तो दे रहे हैं हम। वीर के रूप में हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं जापना, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बुराइयां होती है क्रोध, शक, लोभ, हिंसा और घमंड। वीर की शरारतों पर आपको क्रोध तो बहुत आया, पर फिर इसकी मासूमियत को देखते हुए आपने अपने क्रोध को शांत कर लिया। जब हमने आपसे कहा कि वीर जासूस है तो आपको इस पर शक भी हुआ, पर फिर एक बार वीर की मासूमियत ने आपका शक दूर कर दिया। यहां तक कि नगर सेठ दीपेश केसर लाल के 2,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का लोभ भी वीर की मासूमियत के आगे जीत नहीं सका। और जब बात मंगल डाकू को सजा सुनाने की आई तो वीर की मासूमियत को देखते हुए आपने इसके सामने हिंसा की बात करना मुनासिब नहीं समझा। और अभी अभी जब वीर ने आपकी आन बान और शान में गुस्ताखी की, तब भी आपका घमंड वीर की मासूमियत के सामने हार गया। क्या इसके बाद भी हमें कुछ साबित करने की जरूरत है जापना? क्यों बलदेव जी? ओ अरे नहीं 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 बीरबल, बिल्कुल नहीं। आपने आज साबित कर दिया कि आत्मा की मासूमियत ही सबसे अच्छी चीज है और उसके सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। एक और सच्चाई है जापना जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल ये वीर जो है ये हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। आपको सबूत देने के लिए हम ही इसे महल में लाए थे। कोई बात नहीं बीरबल, हम आपसे बहुत खुश हैं। आज आपने अपने जवाब का सबूत देकर हमें एक नई सीख दी है। बीरबल रोके नहीं, नहीं जा पाना। आत्मा की मासूमियत के सामने बीरबल भी कुछ नहीं कर सकते। अरे लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं। माधव जी, आपके इस कश्मीर के रियासत के कश्मीरी सेब देखकर मन कर रहा है कि आपके साथ कश्मीर चलें, पेड़ पर चढ़े और वहां बैठकर एक एक सेब तोड़ कर खाए। ये आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है हम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते? आलम बना, आपका हमारे कश्मीर में स्वागत। आइए और आकर के स्वर्गवासी हो जाइए। ये क्या तरीका है बात करने का माधव जी? स्वर्गवासी हो जाइए मतलब आप चाहते हैं हम आपकी रियासत में और आके मर जाएं? नहीं नहीं, जहां बना आप समझे नहीं। देखिए क्या है कि हमारे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। अब आप वहां पर आएंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे तो कुछ वक्त के लिए स्वर्गवासी हुए ना, है ना, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। ओहो, चुटकुला चुटकुला सुनाया आपने। अरे हम भी यहाँ पर कई चुटकुले सुनाते हैं, सब हंसते हैं सारे के सारे। ये ओहो अरे रहिए सीधे आप आएंगे सेब, वो भी कश्मीर के।